नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ बड़ी अपडेट शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार स्टेट टीईटी एग्जामिनेशन 2019। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्टेट टीईटी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन डेट समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर से रीओपन किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को। तो क्या है पूरा डिटेल और कब तक जो है इसका डेट बढ़ाया गया है और कब तक इसका आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। और आप सबसे मेरी आशा यही है आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से हम आ चुके हैं fastjobsearch.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर देखिए रीओपन मतलब क्या हुआ कि इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का डेट समाप्त हो चुका था, जिसमें कि कंप्यूटर वाले टीचर का कोई भी वैकेंसी नहीं दिया गया था। तो कंप्यूटर था और कॉमर्स सब्जेक्ट से जो भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं या फिर वो इतना दिन जो है मेहनत किए हैं, तो उसके लिए कोई भी पद नहीं दिया गया था, जिसके कारण आंदोलन भी हुआ। और उस आंदोलन के बाद जो है फिर से रीओपन किया गया है अप्लीकेशन फॉर्म को और उसकी सीट की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। तो अब जो है कंप्यूटर से जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए थे, अब वो भी जो है इसमें अप्लाई करेंगे। और क्या क्या साथ ही साथ और भी जानकारी दिया गया है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2019 टीईटी एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो है शुल्क जमा करने का तिथि 20/12 यानी कि ये जो है 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक विस्तारित कर दिया है। आप जो है फॉर्म ऑनलाइन जो करेंगे 20 से 24 तक आप कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि परिलक्षित होता है तो आप जो है 25 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक सुधार कर पाएंगे। तो मात्र 2 दिन का आपको टाइम भी मिलता है सुधार करने का। और यहाँ पर देखिए 17 को ही ये जो है अपडेट आ चुकी थी, कल के शाम में ही आया है अपडेट। और यहाँ पर देखिए रीओपन डेट 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जो है लास्ट डेट है, 25 दिसंबर से 26 दिसंबर तक सुधार कर पाएंगे। और दोस्तों, इसका जो है फर्स्ट पेपर जो होगा, यानी कि पेपर फर्स्ट जो है इसमें किसके लिए है, तो वो है आपका 9th और 10th के टीचर के लिए। मतलब कि हाई स्कूल के जो भी टीचर बनेंगे वो पेपर 1 का एग्जाम देंगे फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, यानी 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। और जो भी पेपर 2 यानी सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम देंगे वो मतलब 10+2 स्कूल के लिए, यानी कि 11th और 12th के टीचर बनने के लिए आप पेपर 2 का एग्जाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लें कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप जो है पेपर 2 में अप्लाई कर सकते हैं और 10+2 तक के शिक्षक बन सकते हैं। और यहाँ पर आइए, इसमें भी आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई भी एक पेपर का आप अप्लाई करते हैं तो जनरल बीसी और एबीसी के लिए आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। एसटी एससी जो भी दिव्यांग कोटा से आते हैं उसे 300 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर मान ली कि पेपर 1 यानी कि हाई स्कूल और 10+2 दोनों स्कूल में अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है 800 रुपये लग जाएंगे और एसटी एससी पीडब्ल्यू से जो भी हैं कैंडिडेट उसको 500 रुपये लग जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है फिजिकली एजुकेशन एंड हेल्थ इंडेक्चर हो क्या होता है, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि शारीरिक शिक्षा से आप मान लीजिए कि ट्रेनिंग किए हुए हैं, फिजिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो जनरल बीसी एबीसी के लिए 500 रुपये लगेंगे। एसटी एससी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो भी हैं इसमें आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन मोड से ही पे कर पाएंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर एज की जो है बात करें तो एज में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, पहले एज कुछ और था, अभी जो है एज बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जो है देख लीजिए क्या क्या एज अब इसमें लिमिट किया गया है। तो स्टेट टीईटी एग्जामिनेशन के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरा जा रहा है उसका एज 21 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक होना चाहिए और 37 वर्ष तक होना चाहिए। 1 अगस्त 2019 को 37 वर्ष तक होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी शारीरिक शिक्षा से एजुकेशन से मान लें कि फिजिकली एजुकेशन से ट्रेनिंग किए हैं तो उसको जो है 18 से 37 वर्ष तक यहाँ पर दिया गया है, मतलब 18 से 37 वर्ष तक के जो भी एज के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए टोटल 37,335 पद है,
37,335 पद, इसमें शायद बढ़ोतरी हुआ है। और मेल के लिए जो है न्यू एज में भी जो है बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है, और इससे पहले जो था एज कुछ और था, लेकिन अभी बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है एज में। यहाँ पर देखिए जनरल से महिला जो भी आते हैं 47 वर्ष तक मैक्सिमम एज कर दिया गया है कि 47 वर्ष तक के जो भी महिला कैंडिडेट हैं वो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं मेल के लिए, सॉरी मेल के लिए। और यहाँ पर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो एज में भी बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है, चेंजिंग इस अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, यानी कि एज में भी जो है बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है। पहले एज कुछ और था लिमिट में, लेकिन अब कुछ और कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए जनरल मेल जो भी आते हैं, मतलब पुरुष में जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम एज 47 वर्ष कर दिया गया है। महिला कैंडिडेट में जो भी हैं मैक्सिमम एज 50 वर्ष कर दिया गया है। बीसी ईबीसी के जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उसके लिए भी 50 वर्ष कर दिया गया है मैक्सिमम एज। तो 50 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इंटर के लिए और हाई स्कूल के लिए। और यहाँ पर देखिए एससी से जो भी मेल फीमेल आते हैं इसको 52 वर्ष कर दिया गया है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पेपर वन के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पेपर वन यानी कि हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट से आप पास हैं उसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है बीएड का डिग्री कंपलसरी है पेपर वन के लिए। और इसमें एसटी एससी ईबीसी या फिर बीसी जो भी दिव्यांग कोटा के कैंडिडेट हैं उसे 5% छूट मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर टू, जो भी 10+2 स्कूल के लिए शिक्षक बनने के लिए फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उस जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, और साथ ही साथ बीएड डिग्री आपका कंपलसरी है। तो मतलब बीएड डिग्री के साथ आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप हाई स्कूल तक जाएंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं पीजी कर लिए हैं तो आप जो है पेपर टू में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस, जो इसी को लेकर के ये जो है रीओपन फॉर्म किया गया है, फॉर्म जो है फिर से आवेदन जो है दिया गया है टाइम, तो इसी के हंगामा के चलते दिया गया है कि पहले जो है कंप्यूटर साइंस वाले को कोई भी पद नहीं दिया गया था और साथ ही साथ कॉमर्स वाले को भी कोई भी पद नहीं दिया गया था। तो कंप्यूटर साइंस से जो भी डिग्री प्राप्त किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो उस कैंडिडेट को बीएड का डिग्री जो है कंपलसरी नहीं है, ठीक ना। तो वे केवल जो है कंप्यूटर साइंस से हैं वही काफ़ी है, आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पेपर टू के लिए यानी कि इंटर स्कूल में शिक्षक बनने के लिए ही आप केवल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एसटी एससी ईबीसी और दिव्यांग कोटा के जो भी स्टूडेंट है फिर से इसमें आपको 5% का छूट मिलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो भी फिजिकली एजुकेशन ट्रेनिंग किए हुए हैं उसे जो है क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है उसके लिए, सबसे पहले तो आपका मैट्रिकुलेशन पास होना, मैट्रिक मतलब पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है फिजिकली एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। तो ये आपका क्वालिफिकेशन था और उसी क्वालिफिकेशन को यहाँ भी दोहराया गया है और ये पेपर का है। और यहाँ पर देख लीजिए टोटल सीट कितनी है, इंग्लिश की बात करें तो हाई स्कूल के लिए यानी कि पेपर वन के लिए 9th और 10th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से 5054 शिक्षक की ज़रूरत है, मैथमेटिक्स के लिए 5054 शिक्षक, साइंस के लिए 5054 शिक्षक, सोशल साइंस के लिए 5054 शिक्षक, हिंदी सब्जेक्ट के लिए 3000 पद खाली है, संस्कृत के लिए भी 1054 है जो कि संस्कृत से बहुत कम ही स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर उर्दू के लिए 1000 पद हैं। टोटल पद की बात करें तो 9th और 10th मिला करके यानी कि पेपर वन के लिए यहां पर 25,270 सीट है। अब यहां पर बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो 10+2 के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें टोटल कितना सीट है, तो इंग्लिश में 2,125, मैथमेटिक्स 2,104, फिजिक्स के लिए 2,384, केमिस्ट्री के लिए 2,221, जूलॉजी के लिए 723, बोटनी के लिए 835। और यहाँ पर जो ऐड किया है सबसे बड़ा, इससे पहले इसे ऐड नहीं किया गया था,
कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के लिए 1673 इतना सीट, यानी कि 1673 सीट कंप्यूटर साइंस के लिए दिया गया है। तो इस तरह से टोटल सीट जो है 12065 हो जाता है आपका 10+2 में, यानी कि पेपर टू के लिए 10+2 इंटर स्कूल में शिक्षक बनने के लिए टोटल 12065 सीट आपका हो जाता है। अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते समय, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी से आप जो है हेल्प ले सकते हैं। पेमेंट से संबंधित कोई भी त्रुटि आपको परिलक्षित होता है या फिर दिक्कत होती है, तो आप इस नंबर पर टेलीफोन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस ईमेल का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन, और यह 20 से 24 तक फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होने जा रहा है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। 20 दिसंबर को एक्टिव हो जाएगा, 24 दिसंबर तक लास्ट डेट है। जो भी नोटिस आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। बिहार स्टेट टीटी एग्जामिनेशन के लिए जो पहले जो ऑनलाइन अप्लाई किया गया था उसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी करने वाला था, लेकिन अब एडमिट कार्ड पर रोक लगा दिया गया है। जब तक ये जो है फिर से री ऑनलाइन अप्लाई जो है समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक अब एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, यहाँ क्लिक कीजिए। अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है अपना फॉर्म खुद से भी भर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप कैफे में ही फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करें, आपसे कोई भी त्रुटि नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और जो भी मेरे नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, नए भाई बंधु हैं चैनल पर, तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।